मैंने शायद पता लगा लिया कि मेफिस्टो अभी तक एमसीयू में क्यों नहीं आया है और उसका रीजन है चाइना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट मेरे साथ वीडियो में बने रहो, हो सकता है एंड में ये सब सेंस बनाए। वेल, जिन लोगों को नहीं पता कि मेफिस्टो कौन है, उनके लिए मैं बता दूं कि मेफिस्टो बेसिकली एक डीमन है जो हेल या हेडीज नाम के डायमेंशन को रूल करता है। एंड ये मार्वल का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रह चुका है, जिसे 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसको लेकर बहुत सारे ईस्टर एग्स, हिंट्स और रेफरेंस दिए गए हैं, खास करके वांडा विजन में। अब इसका कनेक्शन चाइना से कैसे है? तो चाइना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। लाइक जितनी भी कमाने वाली मूवीज है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना में काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ हर एक चीज जो पब्लिक देखती है उसे गवर्नमेंट चेक करती है कि वो चीज उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच हो रहा है या नहीं। एंड और भी ऐसी फालतू की बहुत सी चीजें, एंड इसीलिए उन्होंने कुछ चीजों पे स्ट्रिक्ट बैन लगाया हुआ है। एंड उन्हीं बैन चीजों में सैटनिज्म और ऑकल्ट टाइप चीजें भी बैन है। एंड सिंस मेफिस्टो भी एक टाइप का डेविल ही है, इसलिए अभी तक उसे एमसीयू में नहीं लाया गया था। बट अब आई थिंक उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चाइना वैसे ही मार्वल की सारी मूवीज को बैन किया जा रहा है।